दिमाग, यानी दिमाग वह शारीरिक रूप से स्वस्थ हो, दिमाग यानी वो मानसिक रूप से भी स्वस्थ हो। कई बार आदमी स्वस्थ होता है शारीरिक रूप से, लेकिन उसमें टेंशन होती है, यानी वो मानसिक उसका मन कहीं और होता है। तो मानसिक रूप से ठीक हो, मन से दुरुस्त होने की जरूरत, मन उसका चुस्त व दुरुस्त होना चाहिए, विशेष रूप से किसी बीमारी या रोग से मुक्त होना। अतः स्वास्थ्य कोई लक्ष्य नहीं बल्कि जीवन उपलब्धि करने का साधन है। महात्मा गौतम बुद्ध ने स्वास्थ्य के बारे में कहा है, हमारा कर्तव्य है कि हम शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा हम अपने मन को सक्षम और शुद्ध नहीं रख पाएंगे। हम अपने शरीर को स्वस्थ रखें, अन्यथा अपने मन और शुद्धि को स्वस्थ, इसका मतलब क्या है, शरीर ठीक होगा तो मन ठीक होगा, और मन ठीक होगा तो हम अब किसी काम को शुद्धता से कर पाएंगे। स्वास्थ्य के नए दर्शन शास्त्र को निम्नलिखित बातों से समझा जा सकता है। स्वास्थ्य एक आधारभूत अधिकार है, स्वास्थ्य एक आधारभूत अधिकार कैसे, जैसे लोहा आधारभूत उद्योग है, लोहे के बगैर कोई उद्योग नहीं चल सकता, उसी प्रकार स्वास्थ्य आधारभूत अधिकार, यानी स्वास्थ्य सबसे पहले, बाकी सब काम बाद में होते हैं। स्वास्थ्य समस्त संसार का सामाजिक ध्येय है। स्वास्थ्य संसार का सामाजिक ध्येय कैसी है, सबका शरीर स्वस्थ होना चाहिए, विश्व के सब लोग स्वस्थ हो, ये एक सामाजिक ध्येय कैसे, ध्येय उद्देश्य है, सामाजिक ध्येय, समाज के संसार के सब लोगों को इसको ध्येय बनाना चाहिए, इसको उद्देश्य बनाना चाहिए कि हम पृथ्वी पे जितने प्राणी मात्र इंसान है उन सबके स्वास्थ्य को ठीक करेंगे। कैसे, बहुत सारी बीमारियां हैं, वन है, जलवायु है, इन सब की रक्षा होगी तो मनुष्य का शरीर ठीक होगा और हमारा देह पूरा हो पाएगा। स्वास्थ्य विकास का अभिनंग है, स्वास्थ्य क्या है, विकास का अभिनंग है, शारीरिक विकास होता है, शारीरिक विकास बौद्धिक विकास, स्वास्थ्य शारीरिक विकास का अनुभव अभिनंग है। स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की धारणा का केंद्र बिंदु है, स्वास्थ्य जीवन की गुणवत्ता की धारणा, जीवन की गुणवत्ता की धारणा क्या होती है, उसका केंद्र बिंदु है, यानी शरीर रहेगा तो बाकी सभी आयाम हो सकेंगे। स्वास्थ्य शिक्षा, स्वास्थ्य शिक्षा का अर्थ सभी आदित जो व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है। तुमने बताया था अगर साधारण भाषा में शारीरिक शिक्षा स्वास्थ्य शिक्षा किसे कहते हैं उसे कहा जाए तो क्या कहोगे, ऐसी शिक्षा जो हमें शरीर के बारे में जानकारी देती है उसे शारीरिक शिक्षा कहते हैं, ऐसी शिक्षा जो हमें स्वास्थ्य के बारे में जानकारी देती है उसे स्वास्थ्य शिक्षा कहते हैं। इसका संबंध मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है, इसका संबंध व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य से है। यह शिक्षा मनुष्य के स्वास्थ्य के उन सभी मौलिक सिद्धांतों के बारे में जानकारी देती है जो स्वस्थ जीवन के अच्छे ढंगों, आदतों और व्यवहार का निर्माण करके मनुष्य को आत्मनिर्भर बनाने में सहायता करते हैं। एक ऐसी शिक्षा है जो बिना मनुष्य, जिसके बिना मनुष्य की सारी शिक्षा अधूरी रह जाती है। डॉक्टर थॉमस वुड के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा उन अनुभवों का समूह है जो व्यक्ति समुदाय और सामाजिक स्वास्थ्य से संबंधित आदतों, व्यवहारों और ज्ञान को प्रभावित करते हैं। यानी शारीरिक शिक्षा कौन से अनुभव का समय है, जो हमें समुदाय को आदतों, यानी जिसका स्वास्थ्य सही होगा उसकी आदतें, यानी किसी आदत की आदत धूम्रपान करने की है तो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं हो सकता, यानी उसकी आदतों, उसके व्यवहारों, उसका व्यवहार कोई गलत आदत में होगा, शरीर ठीक नहीं होगा तो उसकी आदत और उसका व्यवहार खराब मिलेगा और उसके ज्ञान को प्रभावित करते हैं। कोई आदमी का शरीर ठीक नहीं होगा तो ठीक तरह से ज्ञान अर्पित नहीं कर सकता। इससे आगे स्वास्थ्य का क्या अर्थ है, इसके पहलुओं का वर्णन कीजिए। स्वास्थ्य का अर्थ है परिभाषा, स्वास्थ्य से सभी परिचित हैं, सामान्यतः पारस्परिक या रूढ़िगत संबंधों में स्वास्थ्य से अभिप्राय बीमारी की अनुपस्थिति से।